हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। सो आज की इस वीडियो में एक हिडन ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आईफोन्स में आपको मिलता है। मेक श्योर आपका जो है डिवाइस iOS 14 और 14.2 के वर्जन में रन कर रहा होगा दोस्तों, वरना जो है इसका ये वाला फीचर आपके फ़ोन में नहीं होगा। तो फिर दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट के हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन जो है चैनल को सब्सक्राइब और जो है वीडियो को लाइक नहीं करते हैं दोस्तों। मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करता हूँ वीडियोस बनाने में टाइम निकाल के, ठीक है। आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो चैनल को, बिल्कुल ही फ्री होता है। एंड बेल आइकन को जो है आपको प्रेस कर देना है, ऑल पे सेट कर लेना है, जिससे कि आप जो है अपने वीडियो को हमारे वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकते हो। तो फिर दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले तो आपका जो है मेजरली आईफोन 6s से स्टार्ट होना चाहिए या फिर आप जो है iOS 14.2 में रन होना चाहिए आपका डिवाइस, वरना तो ये वाला फीचर आपके फ़ोन में नहीं होगा, ठीक है। सो सबसे पहले उसके लिए आपको अपने सेटिंग्स पे चले जाना है। सेटिंग्स पे जाने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है, देन आपको एक कंट्रोल सेंटर वाला ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे कंट्रोल सेंटर वाले ऑप्शन पे जाने के बाद अगेन स्क्रॉल करके आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन ऐड करने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको म्यूजिक रिकॉग्नाइजेशन का एक फीचर मिल जाएगा, ये देख सकते हो। मैं यहाँ से फिर से कर देता हूँ, ये देख लो, ये जो है म्यूज़िक रिकॉग्नाइजेशन वाला फीचर है। यहाँ पे आप लोगों को इसे जो है ऐड कर लेना है। यहाँ पे ऐड करने के बाद आपको अपने कंट्रोल सेंटर पे जब स्वाइप करके ओपन करोगे अपने कंट्रोल सेंटर को, यहाँ पे ये आपको ये वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं ये जो है वर्क कैसे करता है। तो सिंपली आपको अपने फ़ोन को इंटरनेट से कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद आप कोई भी जो म्यूज़िक प्ले करोगे, सपोज़ मैं यूट्यूब से एक NCS वाला म्यूज़िक यहाँ पे प्ले करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो फिर हम यूट्यूब पे चल जाते हैं एंड जाने के बाद यहाँ पे सर्च बार में यहाँ पे सर्च करना है NCS। सर्च करने के बाद यहाँ पे जो है मिक्स वाला साउंड हम नए यहाँ पे सिंगल साउंड को तो है यहाँ पे ऑन करके मैं दिखाने वाला हूँ। एंड ऐड यहाँ पे आ चुका है Amazon म्यूजिक का, आई थिंक। Amazon साउंड है फुल, अब ये वॉल्यूम को यहाँ पे डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। इतने में ही हम जो है ये वाला ऑप्शन को अभी यहाँ से ऑन कर लेते हैं, ठीक है। म्यूजिक रिकॉग्नाइजेशन यहाँ पे साजम का ऑन हो चुका है। एंड ये देखो आपका जो है नोटिफिकेशन में ये वाला म्यूजिक का नाम आ चुका है, कार्टून फिट, ठीक है। यहाँ पे ये देख लो, यहाँ पे जो है फाइनली आपको नोटिफिकेशन आ चुका है। एंड आप जब यहाँ पे इसे कंट्रोल सेंटर से यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करोगे तो फिर आपको हिस्ट्री में देखने को मिल जाएगा आपने कौन कौन से साउंड जो है रिकॉग्नाइज किए थे इस फीचर्स के थ्रू। एंड सपोज मैं ये वाला ये देख लो, एंड यहाँ पे आपको एक और भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, मे बी हमें हिस्ट्री से तो चेक करना है, ठीक है। यहाँ पे इसका जो है ऑफिशियल ऐप भी है पावर्ड बाय साजम, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देख लो इकोफिट है कि वह यहाँ पे इकोफिट है वी सी, यहाँ पे आपको जो है देखने को मिल जाएगा। एंड फुल सॉन्ग भी आप प्ले कर सकते हो उस ऐप के थ्रू, ठीक है। ट्राई इट फ्री। एंड यहाँ पर जो एप्पल का पे यहाँ पे अब जो यहाँ पे इको राइडर यहाँ पे सॉरी इको रिवर यहाँ पे जो लिखा हुआ है आप इसे यूट्यूब पे भी सर्च करके प्ले कर सकते हो,
ठीक है, ये तो हो गया। एंड हम एक और भी ये देख लो, ये भी आ चुका है हमारा। ठीक है, सो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगर आप शेयर भी कर सकते हो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर फैमिली के साथ। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।